बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने उत्तराखंड में मजारों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है। इस सिलसिले में मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शनिवार दोपहर प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोके जाने की मांग उठाई है। तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिक्रमण के नाम पर मजारों को तुड़वा रहे हैं। अब तक एक दर्जन से अधिक मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। 360 मजारों की लिस्ट भी बनाई गई है, इन्हें चिन्हित किया गया है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से मांग की है कि उत्तराखंड सरकार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोके जाने के लिए निर्देश दिया जाए। साथ ही मजारों को तोड़ा गया है, उन्हें दोबारा बनवाया जाए। शहाबुद्दीन का आगे कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सूफी विचारधारा की कई मंचों से वकालत की, परंतु इस विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं आगे बढ़ रहे हैं। वह कट्टरपंथी विचारधारा के हाथों खिलौना बने हुए हैं और उनकी सरकार में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग ज्यादा दखल देने लगे हैं। इसी के चलते मजारों को तोड़ा जा रहा है। वहीं मौलाना ने आगे कहा कि अगर कार्रवाई नहीं रोकी गई तो वे उत्तराखंड में जन आंदोलन भी करेंगे। सीएम आवास के बाहर उन्होंने धरना देने की भी चेतावनी दी है।